स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ इंद्रजीत कौर और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले बात SYL मुद्दे की, जो कि पंजाब और हरियाणा में इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। SYL के जरिए अपना खोया हुआ जनाधार वापस जुटाने में लगी इनेलो आज राजपुरा में शक्ति प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने आज राजपुरा चलो का नारा दिया है। दरअसल आज 23 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर इनेलो के गिरफ्तार नेताओं की पेशी होनी है और पार्टी के नेता आज एसटीएम की अदालत में पेश होंगे। लिहाजा आज भी इनेलो अपनी ताकत का एहसास करवाएगी। हरियाणा और पंजाब में SYL पर सियासी घमासान जारी है। इस बीच SYL नहर खुदाई करने गए इनेलो नेता अभय चौटाला की रिहाई होने वाली है। इससे पहले अभय चौटाला के साथ गिरफ्तार किए गए अन्य इनेलो नेताओं को राजपुरा में एसडीएम की अदालत में पेश किया जाएगा। इसी दिन इनेलो ने राजपुरा चलो का नारा भी दिया है, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी है। हमारी तरफ से फोर्सेस भी और प्रशासन की तरफ से नजर भी रखी जाएगी, ता जो कहीं कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए और जो स्टेटस को की पोजीशन है उसको मेंटेन रखा। आपको याद दिला दें कि 23 फरवरी को अभय चौटाला को समर्थकों के साथ पंजाब पुलिस ने शंभू बैरियर पर गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से वो पटियाला सेंट्रल जेल में ही बंद हैं। पटियाला पुलिस का कहना है कि अगर किसी ने भी पुलिस के काम में दखल देने की कोशिश की तो वो सख्ती से पेश आएगी। नहीं, जहां जहां हम कोई हमें लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम लोग सारे जो जो पुख्ता जो काम जो नाका जहाँ कोई गश्त है वो बिल्कुल करेंगे, वो मेंटेन रखेंगे सारा कुछ, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को बिल्कुल मेंटेन रखा जाएगा। प्रशासन तो बिल्कुल प्रिपेयर रहता है और रहना भी चाहिए और हम लोग फुली प्रिपेयर हैं। इससे पहले इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं कि अभय चौटाला और इनेलो समर्थकों के जेल से बाहर आने के बाद SYL पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हरप्रीत धालीवाल, जी मीडिया, पटियाला।